वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से शनिदेव पर आधारित है। इस वीडियो में मेष राशि पर बकरी शनि का प्रभाव कैसा रहेगा उनके बारे में चर्चा करेंगे और आपको संपूर्ण ज्योतिष के आधार पर जानकारी देंगे। 17 जून 2023 को जब शनि वक्री हो गए किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। शनि की वक्री चाल का मतलब होता है कि शनि उल्टी चाल से चलना और मार्गी का मतलब होता है शनि ग्रह का सीधी चाल से चलना। वैसे तो शनि ग्रह हर साल में एक बार वक्री अवश्य होते हैं, लेकिन 2023 के जून महीने में शनि के वक्री चाल आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए रहेगी क्योंकि शनि की वक्र गति से राजयोग यानी धन राजयोग का निर्माण हो रहा है। शनि की वक्री चाल जब शुरू होगी तो आपके पूर्ण जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। करियर, प्रेम, विवाह, धन, प्रतिष्ठा, हर जगह अच्छे और बुरे फल कैसे मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, यह सारी जानकारी जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप यह समझ लीजिए कि जब शनि ग्रह वक्री हो गए तो देश दुनिया पर क्या प्रभाव होगा। ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर तक यानी कि पूरे 140 दिन तक वक्री हो गए तो वह देश दुनिया में कई बड़े परिवर्तन करवाएंगे या आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े चक्रवात को जन्म देंगे। जन धन की क्षति, भारी उथल पुथल के साथ राजनीतिक अशांतिकारक प्रभाव में वृद्धि करेंगे। इनका देश की राजधानी दिल्ली पर गहरा असर पड़ेगा। तो इन 140 दिनों में शनि देश के बड़े भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा तो वो देश के अर्थतंत्र को मजबूत करेंगे। जनहित के फैसले लागू होने से नई क्रांति का जन्म होगा। शनि वक्री आपके जीवन को 140 दिन में क्या फल देंगे, क्या वाकई में जीवन जादू की तरह बदल जाएगा, यह विस्तार से जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मेष राशि पर शनि वक्री का प्रभाव। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह 17 जून 2023 को आपकी मेष राशि के एकादश भाव में वक्री होकर राजयोग का निर्माण करेंगे यानी कि दो राजयोग बनाएंगे, धन राजयोग और संभव राजयोग। इसके प्रभाव से सबसे पहले तो आपको स्वयं को अनुभव होने लगेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में जो परेशानियाँ चल रही थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो रही है। आपके अधिकारी के साथ, कार्य क्षेत्र पर अपने बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे तो वहाँ पर एक चेंज होगा। एक तरफ से देखा जाए तो 17 जून से 4 नवंबर तक शनि आपको ज़्यादा मेहनत करवाएंगे और वही मेहनत से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो स्वाभाविक है कि धन का लाभ अप्रत्याशित रूप से मिलेगा। दो तरफ से आपको लाभ मिलेगा, एक तो मेहनत की वजह से मिलने वाले लाभ के रूप में लाभ मिलेगा, दूसरा लाभ आकस्मिक तरीके से मिलेगा। आप पूछेंगे भला वो कैसे मिलेगा, तो जिन्होंने शेयर बाजार में लंबे समय से निवेश किया हुआ था तो अचानक से शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप बाजार में असंभव सा दिखने वाला सौदा भी आसानी से कर पाएंगे। जिस प्रॉपर्टी को आपने थोड़ा समय पहले खरीदा था वहाँ की वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी। इस अवधि में आप शेयर बाजार में या गोल्ड में छोटे छोटे निवेश से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बकरी शनि की चाल नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे तो जो एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर कई सालों से नौकरी कर रहे थे, प्रमोशन और पद की आशा करते थे तो आपको पद मिलेगा, सैलरी में वृद्धि होगी। शनि यहाँ आपको बड़ा परिवर्तन करवाएगा। जिनको कंपनी चेंज करनी है, जो बढ़िया अवसर ढूंढ रहे हैं, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है वह इस समय में लाभान्वित रहेंगे, आपका काम होगा और मुझे लगता है कि इन 140 दिनों तक धन लाभ के कई मौके मिलेंगे जिसका लाभ भी आप स्वयं उठा सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, शनि वक्री के कारण आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा क्योंकि आप विवाह और प्रेम जीवन को लेकर संशय में रहेंगे। अब आपको अपनों की वजह से धोखा मिलेगा, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ। 17 जून के बाद अपने रिश्तों को नहीं संभाला तो प्रेम और विवाह भंग भी हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होगे, पाप ग्रहों की दृष्टि में होगे तो आपके लिए यह अवधि बहुत खतरनाक साबित हो सकती है।
बकरी शनि आपको खर्चे भी करवाएगा, चाहे वह विलास के लिए, सुख के लिए, सुविधा के लिए खर्च होना तय है। शनि आपके स्वयं के अनुभव में बदलाव करेंगे। आपकी इच्छा होगी कि आप अपने लिए कोई गाड़ी खरीद लें, अपने लिए नया मकान खरीदें, या फिर निवेश के लिए आप जमीन जायदाद संपत्ति खरीदें। दोस्तों, शनि देव न केवल न्याय के कारक है, दुख के लिए कारणभूत है, लेकिन वह छप्पर फाड़ के धन भी देते हैं, व्यक्तियों को मालामाल कर देते हैं। वही कुछ आपके साथ भी घटित हो सकता है। 17 जून से संभावना है। दोस्तों, 11वें भाव में बैठे शनिदेव साइंस के कारक है। जो विज्ञान और गणित से जुड़े लोग हैं, उनकी बड़ी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि शनिदेव आपको गणित के फॉर्मूले और नई खोज करने में माहिर बना देते हैं। मेष राशि के जो जातक चैरिटी से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण करवाते हैं। किसी के माध्यम से आपके पास धन आता है और आप समाज सेवा के लिए उसे उपयोग करते हैं, खर्च कर पाते हैं। शनि बिल्डर को भी लाभ देता है, क्योंकि मकान और मजदूरी से शनि का सीधा संबंध है और उनकी ही कृपा से आपके जीवन में एक से अधिक मकान यानी कि संपत्तियां बनती है। चाहे वह मकान, दुकान, जमीन किसी भी रूप में हो, वह आपको लाभ देते हैं। यदि आप शनि ग्रह से संबंधित व्यापार करते हैं, तो मानकर चलिए कि इन 140 दिनों में अब आपका भाग्योदय यानी कि आपको तरह तरह के लाभ मिलेंगे, जिसमें जो लोहा संबंधित कार्य, मशीन के कार्य, केमिकल प्रोडक्ट से जुड़े कार्य, पेट्रोल डीजल से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, वह अब अपने कारोबार को आसमान पर पहुंचाने के लिए तैयार रह सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप अब बदलाव के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां से आपका जीवन आसान हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सड़क निर्माण से जुड़े कार्य करते हैं, कबाड़ी का कार्य करते हैं, सीसा टाइल्स भवन निर्माण, प्लास्टिक एवं रबर उद्योग से संबंधित कार्य करते हैं, तो मुझे कहने में खुशी हो रही है कि अब आपके जीवन में धन का अविरत प्रवाह शुरू होगा। कुल मिलाकर शनि आपकी कुंडली में मजबूत हो गए तो 140 दिनों में आपको आपकी बड़ी इच्छा, आकांक्षा या फिर मनोकामना पूर्ण होगी। हालांकि वह कुंडली में शनि के अंश पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में किस जगह पर है और कितने अंश के हैं। कुल मिलाकर वक्री शनि आपके लिए फलदायी है। थोड़ी उलझन को छोड़ दिया जाए तो बस आप धैर्य के साथ आगे बढ़े। मुझे विश्वास है आप जीवन में धीरे धीरे प्रगति करेंगे और उनकी शुरुआत 17 जून के बाद शुरू होने वाली है। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।